तो हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस अभी स्कूल से आ चुका हूँ और बस आज स्कूल का लास्ट डे है, जल्दी आने का, फिर कल से मैं लेट ही आऊँगा एकदम आने के टाइम पे। मम्मी ने नाश्ता लगा दिया, थेपले और मिर्ची का जो खाते हैं। तो गाइस चलते हैं ध्रुव को लाने, नाश्ता वास्ता मैंने कर लिया। जल्दी 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 चल चल फटाफट, मेरी बात सुन। ठीक है। अरे वो अस्तर वाली के चलना है, सिलाई वाली के। ठीक है, वैसे भी टेलर की दुकान से मम्मी का सामान ले लिया है, फोन का बजा रहा है। चल अरे वो तो है, टिफिन का प्रिपरेशन करो पापा की। मैं करूं दूध मेरे शेक के लिए ना। आज क्या बना? दाल, दाल पालक। मैं डालता हूँ उसमें सामान। ये देखो मैंने स्मोट्स भी डाल दिए और ये मखाने भी डाल दिए। अरे रुक जाओ रुक जाओ। ये देखो दोनों सांप वाला गेम चल रहा है, ये लपेट रहा है मतलब सांप को। मेरे अंदर है बच्चा। और अभी डिनर आ चुका है, करते हैं डिनर नहीं सॉरी लंच। तो वैसे अभी यहाँ पे है ना, मैंने ये जूते उतार लिए, ये हाँ उतार रहा हूँ, रुको, ये जूते भी और ये वाले जूते भी, क्योंकि मुझे ना एक रील शूट करनी है, तो उसके लिए मेरे को जितने भी मेरे पास जूते हैं सब काम लगेंगे। तो अभी मैं सारे यहाँ पे निकाल दूंगा, फिर मैं रील शूट करता हूँ। तो गाइस फाइनली रील वगैरह अपलोड कर दिए मैंने, उधर से सब सेटअप भी संभाल लिया है। और यहाँ पर देखो आप, इतने सारे जूते मेरे पास थे, ज़्यादा यूज़ नहीं आए। तो रील बस थोड़ी देर में मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग जब भी ये ब्लॉग देखोगे, मतलब कल ब्लॉग देखोगे, तो आपको रील और शॉर्ट्स जो है यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएगी। मैंने ये कपड़े डाल लिया, मेरे को वापस एक और शूट पर जाना है, फिर आके मुझे ट्यूशन पढ़ानी है, तो फटाफट लेट नहीं करते निकलते। चलो जा रहा हूँ, आवाज़ मत करना, ठीक है, निकल रहा हूँ मैं। तू भी बढ़िया लग रहा है, ठीक लग रहा है, सही है। तो मेरा भी फोटो शूट हो जाएगा, मेरा भी, मेरे को एक रील भी करनी है, रील भी कर लेंगे। बस बस भाई, ज़्यादा नहीं, बस ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। गाइस हम लोग फर्स्ट लोकेशन पर आए हैं, हमको वीडियो तो शूट नहीं करनी है लेकिन फोटो शूट करनी है। यहाँ पे जो रोड है ना, यहाँ पर मतलब हम लोग खड़े हो जाएंगे, मतलब पीछे पूरा खाली रोड, इस हिसाब से हम लोग फोटोग्राफी करने वाले, तो स्टार्ट करते हैं। गाइस फाइनली हमारा शूट वूट डन हो चुका है, जितना भी था। अभी गर्मी एक तो इतनी है, देखो धूप हर जगह, हम तो छाँव में कर रहे थे, यहाँ पर एक दो जगह किया, बाकी इसका भी मेरे दोस्त का ही फोटो शूट हो गया, मेरा भी फोटो शूट हो गया। चलते अब यहाँ पे, गर्मी बहुत है, तो हम पानी भी नहीं रहा है। चल निकाल गाड़ी, जल्दी कर जल्दी। अरे सही से बैठ जा, जल्दी बैठ, नीचे बैठ, आईफोन आइसक्रीम बोल बोल के ले, तू भी जल्दी कर। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं डी मार्ट, थोड़ी कुछ शॉपिंग करने के लिए, घर का सामान खत्म हो गया इसे जा रहे हैं। हो गए थे यार आप, पैसे वैसे ले लो, तैयार व्यार हो? गाइस हम लोग डी मार्ट के लिए निकल चुके हैं, और पहले हम लोग आए हवा भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पे, वैसे भी हम लोग आए श्याम मंदिर, मेरा इतना सामने बड़ा वाला। अरे मज़ा बहुत आता है यार, एकदम पॉजिटिव वाइब आती है। मम्मी आपकी तो फेवरेट जगह है श्याम मंदिर, हाँ आपको इतना मज़ा क्यों आता है यार? चलो फिर यहाँ पे जूते उतार देते, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम बाबा। कौन सी माता है? दुर्गा माता और शिव जी। दुर्गा माता। हम तो मस्त यहाँ पे बैठ गए, पॉजिटिव वाइब आ रही है, पूरा इतना बड़ा मंदिर है। हम जब भी ये साइड जाते हैं ना, हमेशा इस मंदिर पे आते हैं, बहुत मज़ा आता है। ठीक है, हमने दर्शन वगैरह कर लिए, अब निकलते हैं सीधा डी मार्ट। अपने को जो ब्रश थे वो तो यहाँ नहीं है, अपन ने कलरफुल वाले ली थे वो यहाँ नहीं है, देख लिया नहीं है, वो कोलगेट की आती है, कोबरा वाली झाड़ू है, कोबरा वाली झाड़ू मिल गया ना। ये है नाग वाली झाड़ू है, यही रुको रुको इधर लिखा है, हटो तो
ये देखो इधर नीचे लिखा 99 रुपीज की। मैं ये ले लूँ क्या? क्यों 300 दे रहे यार? वैसे भी मम्मी ऊपर खड़ी है, मैं गाड़ी लेने आया हूँ नीचे। अरे पार्किंग है ना इसलिए। सामान सामान चले क्या फिर? तो कैसे मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ और चलते हैं बाहर डिनर करने। मम्मी ने डिनर बना दिया है। चलो आ तो थक गए यार, लेकिन मज़ा आया। रोज़ रोज़ घूम के मज़ा आता है। और शॉर्ट्स वॉर्ट्स पहन के, मैं तो टी शर्ट वीशर्ट पहन के, क्योंकि गर्मी बहुत है तो इसलिए अभी यही कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो वैसे अभी डिनर आ चुका है। ये आलू और कुछ मिक्स बनाई है, सब्जी और रोटी। एंड गाइस करते हैं आज के ब्लॉग को यही पर ही है। कल तो भाई कल से ना रेगुलर स्कूल चालू हो जाएगी। अब पूरे दिन मतलब 12:30-1 बजे मैं आऊँगा, तो अभी जल्दी सोना पड़ेगा उसके लिए फिर स्कूल में। तो फिर पूरा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए कि नहीं। इसलिए ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।